मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू योर साइंस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर इलेवन एयर एंड वाटर एयर एंड द एटमोस्फेयर एयर इज अ नेचुरल रिसोर्स हमें पता है कि जो एयर होता है वो एक नेचुरल रिसोर्स है देयर इज एन एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ अर्थ के अराउंड एयर सराउंड करता है दिस लेयर ऑफ ईयर इज़ कॉल्ड एटमोसफियर जो अर्थ के अराउंड ईयर सराउंड कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं एटमोसफियर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज और ये गैसेस का मिक्सचर होता है द एटमोसफियर इज थिका एंड हैवियर नियर द ग्राउंड और हमें यह भी पता है कि जो एटमोसफियर है वो थिक्का होता है और हेवियर होता, होता है जब वो ग्राउंड के पास होता है इट गेट्स थिनर एंड लाइटर फर्दर अवे और जैसे जैसे ये ग्राउंड से दूर होता है वो थिनर और लाइटर बन जाता है आफ्टर द एटमोसफियर एंड स्पेस बिगिन जहाँ पे एटमोस्फियर एंड हो जाता है वहाँ पे क्या बिगिन होता है स्पेस ओके स्टूडेंट्स नाउ लेटेस्ट

ट्रोपोस्फोर जो है वो एक फर्स्ट लेयर है एंड इज़ क्लोजेस्ट टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ और ये अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट है इट कंसिस्ट ऑफ गैसेज डैट वी ब्रीथ इन इसमें जो गैसेस है हम उन्हें ब्रीथ इन करते हैं ऑल द वेदर फिनमिना अकर इन दिस लेयर अब यहाँ पे देखो आपको क्लाउड्स सब दिख रहे हैं तो जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो सभी ट्रोपोसफेयर के अंडर आते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट लेयर इज स्टेटोसफियर स्टेटोसफियर के देखो विद इन दिस इज द ओजोन लेअर आपको दिख रहा है ओजोन लेअर एंड ओजोन लेअर के जस्ट अबव जो स्टेटोसफियर के बीच में ही आता है यहाँ पर फाइटर जो जेट्स होते हैं यहाँ पर फ्लाई करते हैं ओके सो वॉट इज स्टेटोसफियर इट इज़ द सेकेंड लेयर स्टेटोसफियर एक सेकेंड लेअर है एयर इन स्ट्रेटोसफियर इज लेस डेंस जो एयर होता है स्टेटोसफियर में इसका वेट लाइट होता है देन डाट इन ट्रोपोस्फीयर, जो ट्रोपोस्फीयर में एयर का वेट होता है डाट इज है हमने अभी पढ़ा था जैसे जैसे अर्थ सरफेस से एयर दूर होगा तो क्या होगा एयर का वेट लाइट होता जाएगा सो इन स्ट्रेटोसफियर जो डेंस है एयर का डाट इज लेस देन ट्रोपोस्फियर इट कंटेन्स ओजोन गैस इस लेयर में ओजोन गैस विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओजोन लेयर वो होता है ओजोन एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रा वायल्ट रेज ऑफ द सन सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज है वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद जो रेज हमारे पास आती है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती ओके स्टूडेंट्स नाउ आर नेक्स्ट लेयर इज मेसोफियर दिस इज मेसोसफियर मेसोसफियर इज़ द थर्ड लेयर मोस्ट मिटीरोड्स बर्न अप इन दिस लेयर जो मिटीअर्स होते हैं या मिटीरोयड्स होते हैं ये इस लेयर में आके बर्न होता है जब आप समर में देखते हो नाइट में स्काई में जब मिटीर्स फॉल होते हैं तो ये कहाँ पे होता है इन विच लेय मैसोसफियर एंड हैंस डू नॉट रीच द अर्थ बिकॉज ये इतनी दूर बर्न हो जाते हैं मिटोरॉयड्स तो ये अर्थ तक नहीं पहुँच सकते दीज मिटियोरयड्स आर कॉल्ड मिटीअर्ड्स जो ये मिटियोरयड्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं मिटियोर्स ओके स्टूडेंट्स एंड आफ्टर डैट काम्स थर्मोसफियर थर्मोसफियर में क्या होता है थर्मोस्फेयर इज़ द नेक्स्ट लेअर स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेअर इसमें स्पेस शटल्स ऑर्बिट्स सब इसी लेयर पर क्या करते हैं रिवॉल्व होते हैं ओके स्टूडेंट्स वी कैन लिसन टू रेडियो प्रोग्राम्स बिकॉज ऑफ़ द आइनोसफियर लेयर हम जो रेडियो में प्रोग्राम सुनते हैं वो हम किसके वजह से सुन पाते हैं बिकॉज ऑफ आइनोसफियर लेयर जो ये लेयर है इसी के रीजन से हमें ईजीली रेडियो प्रोग्राम्स ईजीली सुनाई देते हैं विच इज़ द पार्ट ऑफ थर्मोसफियर जो आइनोसफियर है वो थर्मोसफियर का ही पार्ट होता है ओके स्टूडेंट्स एंड आफ्टर डैट कम्स एग्जोसफियर एग्जोसफेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर जो एग्जोसफेयर है ये एटमोस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर है फ्रॉम हेयर द एटमोसफेयर मर्जेज इन टू द आउटर स्पेस यहाँ से जो एटमोसफेयर है जो एयर है वो मर्ज हो जाता है इन टू द आउटर स्पेस ओके स्टूडेंट्स अरोरा बोरेलिस इज द पैटर्न ऑफ डिफरेंटली कलर्ड लाइट्स दैट आर समाइम्स सीन इन द नाइट स्काई मोस्टली इन द नॉर्द्दर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्या आपको एक फैक्ट एज दिया हुआ है कि जो और बोरेलिस है ये एक पैटर्न है डिफरेंट कलर लाइट्स के जो हम कभी कभी नाइट में स्काई में देख सकते हैं और वो भी मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट जो वर्ल्ड का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर ही मोस्टली दिखता है ओके स्टूडेंट्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अर्थ एटमोस्फियर हमने डिफरेंट लेयर्स के बारे में जाना सो यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली ओके स्टूडेंट्स नाउ लेटस्ट नो इम्पॉर्टेंस ऑफ द एटमोसफियर एटमोसफियर की इम्पॉर्टेंस क्या है द एटमोसफियर इज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ अर्थ में अगर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है या कंटिन्यू है उसके लिए एटमोसफियर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर मेक्स रेस्परेशन पॉसिबल फॉर ऑल लिविंग थिंगस ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एयर में एंड बिकॉज ऑफ दैट लिविंग थिंग्स के लिए रेस्पिरेशन प्रोवाइड होता है दे बाय सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करती है ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर बर्निंग एंड विदाउट ऑक्सीजन कुछ भी बर्न नहीं हो सकता द एटमोसफियर एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सन एंड वॉम्स द अर्थ सर्फेस बाय रिटेनिंग हीट एंड नॉट लेटिंग इट एस्केप जो एटमॉस्फेयर है वो सन से एनर्जी को ट्रैप करता है और अर्थ का जो सरफेस है उसको वार्म रखता है सो so दैट उसका जो हीट है वो यहाँ से रिटेन ना हो सके इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द कोल्डनेस ऑफ द स्पेस ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है स्पेस के कोल्डनेस से बाई स्टोरिंग द हीट एनर्जी ड्यूरिंग द नाइट नाइट में हीट एनर्जी को स्टोर करके एंड हेल्प्स इन मेनटेनिंग द टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ एटमोसफियर जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो मेनटेन रहता है द एटमोसफियर रिसाइकल्स वाटर ऑफ द अर्थ थ्रू द वॉटरसाइकिल जो एटमोसफियर है वो वाटर को रिसाइकिल करता है अर्थ के वॉटर को रिसाइकिल करता है थ्रू द वॉटरसाइकिल जो हमने वाटरसाइकिल पहले रीड किया है दैट इज बिकॉज ऑफ एटमोसफियर द एटमोसफियर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ बाई एब्जॉर्विंग हार्मुल अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन ऑफ द सन और जो एटमोसफियर है वो अर्थ पे लाइफ को प्रोटेक्ट करता है एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ये क्या करता है सन से निकलने वाले जो अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन्स हैं अल्ट्रा वायल्ट ट्रीज़ हैं हार्मफुल उनको एब्जॉर्ब कर लेता है द एटमोसफियर बर्नस ऑफ मिटोरॉयड्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम हिटिंग द अर्थ जस्ट बिकॉज कि अर्थ के सर्फेस के पास आने से पहले ही मीटरॉयड्स बर्न हो जाते हैं तो ये अर्थ को प्रिवेंट करता है फ्राम हिटिंग एयर इज़ द कैरियर ऑफ साउंड वेव्स हमें पता है कि एयर कैरियर होता है साउंड वेव का it is due to atmosphere that people can talk and hear each other and because of atmosphere हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे को hear भी कर सकते हैं properly okay students now let us read fact is when the mountaineers climb mountains like the Mount Everest they need to carry oxygen हमें पता है कि जब भी कोई भी mountaineers mountains को climb करते हैं like Mount Everest तो वो oxygen को carry करते हैं अपने साथ दिस इज़ बिकॉज एज यू गो हायर द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर बिकम्स लेस ये किस लिए होता है बिकॉज जैसे जैसे हम हायर जाते हैं जो लेवल है ऑक्सीजन का वो रिड्यूस होता जाता है एंड ड्यू टू डैट जो माउंटेनरीज हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को नाउ लेट एस नो मोर अबाउट एयर कॉम्पोजिशन ऑफ एयर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज हमें पता है कि जो एयर है वो मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेज का द टू मेन गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो टू मेन गैसेज प्रेजेंट हैं एटमोसफियर में वो कौन कौन से हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड सम अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ जो आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर और जो डिफरेंट अदर्स गैसेज हैं वो स्मॉल क्वान्टिटीज़ में प्रजेंट हैं एटमोसफियर कंसिस्ट ऑफ अबाउट सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन कंसिस्ट करता है एटमोसफियर ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट देखो ऑक्सीजन होता है एंड रिमेनिंग वन परसेंट में जितने भी अदर गैसेज आते हैं वो इसी कैटेगरी में आए आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर

एयर स्पेस को ऑक्युपाई करता है फॉर दिस एक एक्टिविटी है लाइक टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे टू शो डैट एयर ऑक्युपाई स्पेस हम क्या कर सकते हैं एक बलून को लेंगे उसको ब्लो करेंगे इससे क्या होगा जो बलून है वो दैट विल बिकम बिगर बिकॉज दिस हैपन्स बिकॉज जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है जैसे जैसे हम बलून में एयर को ब्लो करते हैं वो बलून को एक्सपैंड करता रहता है ओके okay, स्टूडेंट्स

दो बलून्स को आपको यहाँ पे ऑपोजिट एंड में आपको स्टिक करना है होल्ड द स्टिक बाय द स्ट्रिंग सो डैट इट स्टेज बैलेंस आपको जो ये सेंटर में जो आपने स्ट्रिंग या आपने अगर स्टिक को पेस्ट किया है आपको उसको होल्ड करना है सो so दैट इन दोनों में बैलेंस बना रहे नाउ पुट अ स्मॉल पीस ऑफ टेप ऑन वन बलून आपको एक बलून में स्मॉल पीस ऑफ टेप लगाना है एंड प्रिक दिस बलून ऑन द टेप और उस जगह पे जहाँ पे आपने टेप लगाया है आपके बलून को प्रिक करना है दैट मीन्स आपको उसके अंदर पिन को पिन से प्रिक करोगे आप ऑब्जर्व वॉट हैपन्स एंड डिस्कस तो क्या होगा धीरे धीरे बलून में जो एयर था दैट विल लेट आउट उसमें से निकलता रहेगा एंड जो अदर साइड में बलून है वो उसका वेट ज़्यादा होने के कारण वो नीचे जाता जाएगा तो दिस शोज़ दैट एयर हैज़ वेट now next property is air exerts pressure anything that has weight applies pressure in the downward direction हमें पता है कि अगर किसी भी object या किसी भी किसी भी चीज़ में अगर weight है तो वो pressure किधर देगा downward direction में देगा since air also has weight because air में weight होता है इसीलिए वो भी pressure को exert करता है इसीलिए वो pressure को apply करता है हाउ एवर एयर प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन बट जो एयर का प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शन में एक्जर्ट करता है ओके सो हेयर आर टू एक्टिविटीज वन एक्टिविटी में आपको बता रहे हैं कि एयर जो एक्जर्ट प्रेशर करता है डैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इन अदर एक्टिविटी एयर प्रेशर को एग्जर्ट करता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कवर इट्स माउथ विथ अ स्टिफ कारबोर्ड आपको एक ग्लास में वाटर डालना है और उसको एक हार्ड कार्डबोर्ड से उसके माउथ को क्या करना है कवर करना है मेक श्योर डेट देयर आर नो एयर बबल्स आपको देखना है कि ग्लास के अंदर कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए नाउ प्रेस द कार्डबोर्ड एंड टर्न द ग्लास आपको कार्डबोर्ड को प्रेस करना है और ग्लास को क्या करना है टर्न करना है अपसाइड डाउन लाइक दिस नाउ रिमूव योर हैंड वॉट डू यू सी अब आप क्या करोगे नीचे से अपना हैंड को रिमूव करोगे और आप देखोगे कि जो ये कार्डबोर्ड है जस्ट बिकॉज हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया था वेन इट इज़ इन दिस डायरेक्शन तो ये नीचे नहीं जाएगा और वो ऐसे ही रहेगा द वाटर डज नॉट फ्लो आउट बिकॉज एयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द कार्ड वाटर इसलिए फोन फ्लो नहीं करता बिकॉज एयर ने प्रेशर एग्जर्ट करा कार्ड पे फ्रॉम बिलो एंड कीप्स इट इन प्लेस और दैट इज़ वाई जो ये कार्डबोर्ड है ये अपने प्लेस पे रहेगा द अववर्ड प्रेशर एक्जटेड बाय एयर इज मोर देन द डाउनवर्ड प्रेशर एक्जटेड बाय वाटर जो अववर्ड प्रेशर था इसमें एयर का वो इतना ज़्यादा था वो ज़्यादा था डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ वाटर से ओके दैट इज़ बाई जो ये कार्डबोर्ड है ये अब यहाँ से स्किप नहीं होता और ये इसके साथ स्टिक रहता है न सी एयर एग्जट प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो इसके लिए आपको क्या करना है एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है एंड यू हैव टू टेक अ पिन और आपको इसमें बॉटल में पियर्स करना है पियर्स अ स्मॉल होल नियर द बॉटम जो बॉटल की बॉटम है इसमें आप एक होल कर दोगे विद द हेल्प ऑफ अ पिन पुट अ पीस ऑफ टेप ओवर द होल और जो यहाँ पे होल हुआ है उसके ऊपर आप क्या करोगे एक टेप लगा दोगे फिल द बॉटल विद वाटर और अब आपको बॉटल को वाटर से फिल करना है क्लोज द कैप एंड रिमूव द टेप आप पहले क्या करोगे अब कैप यहाँ पे लगाओगे एंड आफ्टर डैट आप टेप को रिमूव करोगे नाउ सील द होल एंड फिल द बॉटल और अब फिर आपको नेक्स्ट में क्या करना है कि आप पहले होल को सील करोगे और बॉटल को फिल करोगे विदाउट क्लोजिंग द कैप रिमूव द टैप और दूसरे बॉटल में आपने कैप को नहीं लगाना ओनली आपको टेप को रिमूव करना है वॉट डू यू ऑब्ज़र्व नाउ अब आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे इन फर्स्ट केस द वॉटर डज नॉट फ्लो आउट ऑफ द होल फर्स्ट केस में जो वाटर है वो होल से नहीं निकलेगा बिकॉज यहाँ पर हमने उसको कवर कर दिया था वाइल इन सेकेंड केस द वॉटर फ्लोज़ आउट ऑफ द होल बिकॉज बट सेकेंड केस में हमने यहाँ पे इसको कवर नहीं किया एंड दैट इज़ वाई वो होल से सारा वाटर बाहर आएगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड बाईर बिकॉज यहाँ से एयर का प्रेशर आता रहेगा बॉटल के अंदर एंटर करेगा एंड एंड थ्रू इट जो यहाँ पे होल है इसके थ्रू वाटर बाहर निकलता रहेगा ओके स्टूडेंट्स ना फिफ्थ वन हॉट एयर राइजेज अप जो हॉट एयर होता है वो राइज अप करता है प्लेस योर हैंड ऑन साइड ऑफ लाइटेड कैंडल फ्लेम इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक कैंडल फ्लेम लाइटेड कैंडल फ्लेम के पास में आपको अपना हैंड करना है डू यू फील द वॉर्म क्या आपको वार्म फील होता है नाव प्लीज योर हैंड अबाउट टेन इंचज अवे ऑन द टॉप ऑफ फ्लेम अब फ्लेम से आप अपना हैंड टेन इंचज दूर कर लो डू यू फील द वॉम क्या आपको वॉम फील होता है वॉम बिल्कुल फील होगा बिकॉज जो हॉट एयर है वो राइज अब करता है वो अपर डायरेक्शन में जाता है ओके स्टूडेंट्स ना हॉट एयर एक्सपैंड जो हॉट एयर होता है वो एक्सपैंड करता है लाइक टेक अ बॉटल एंड अटैच अ बलून एट द नेक ऑफ बॉटल आपको एक बॉटल में वॉटर फिल्ट करके पैन में भी वाटर डाल के आपको इसको पैन को हीट करना है इससे क्या होगा यहाँ पर आपको ऊपर एक बलून आपको प्लेस करना होगा एज सुन ऐज़ जो ये वॉटर है पैन में हीटअप होना शुरू होगा तो बलून इनफ्लेट होगा बिकॉज जो हॉट एयर है जो यहाँ से वाटर पेपर्स निकलेंगे जो हॉट एयर है वो भी एक्सपैंड करता है एंड दिस एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर ओके स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को प्रॉपरली रीड करें सो डैट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन अ बेटर वे थैंक यू एंड गुड बाय